नमस्कार, मैं ट्विंकल सहारे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पांदा, ब्लॉक पाटन, जिला दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़। हाँ, मैंने निष्ठा द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया था उसे मैंने पूरा किया और यह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने निष्ठा द्वारा दिए गए प्रशिक्षण को पूरा करते समय यह देखा कि यह कोर्स के विषय वस्तु जो है वो बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आज के परिवेश में बहुत ही उपयुक्त है। यह पूरा मॉड्यूल जो है हमें यह बताता है कि हम स्वयं तथा दूसरों के प्रति कैसे संवेदनशील रहकर कार्य कर सकते हैं। प्रशिक्षण पश्चात शिक्षण में हमें बहुत मदद मिली, जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण का हमारे अंदर विकास हुआ तथा समस्याओं के समाधान के वैकल्पिक प्रयोगों को हमने जाना। और शिक्षण में अब हम जो परंपरागत तरीकों से शिक्षा दे रहे थे बच्चों को, अब हमने कुछ जैसे कि क्षमता आधारित सीखना सिखाना, विद्यालय आधारित आकलन आदि के महत्व और कार्यान्वयन को समझने के लिए हमें मदद मिली। कोरोना काल में बच्चे शिक्षा से और स्कूल से काफ़ी दूर हो गए थे, जिसके कारण उनकी शिक्षा के प्रति रुचि जो है समाप्त हो गई थी। इस प्रशिक्षण के द्वारा हमने यह सीखा कि शिक्षा को किस तरह से रोचक बनाया जाए। जब बच्चे वापस स्कूल आए तो हमने देखा कि उनको शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं है। हमने विषय वस्तु को इस प्रशिक्षण के द्वारा जो सिखाया गया था वो सबको यूज़ करते हुए शिक्षण को हमने बहुत अच्छा और रोचक बनाने की कोशिश की। नए नए टीचिंग एड का प्रयोग किया और इसमें हमने बच्चों को भी शामिल किया। तब हमने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा और बहुत ही ईजी तरीके से लेसन को सीख रहे थे और उनकी रोचकता स्कूल में बढ़ी और वह उपस्थित होने लगे। जो बच्चे अनुपस्थित रहते थे वो भी अब उपस्थित होने लगे। हमने यह भी सीखा कि बच्चों के स्तर को जानने के लिए उनके अभिभावकों से भी मिलना ज़रूरी है। तो हमने अभिभावकों को भी और समाज के लोगों को भी स्कूल में बुलाया और स्कूल के परिवेश से उनका तालमेल बैठाने की कोशिश की। अब हमने देखा कि स्कूल के जो बच्चे थे वह किस तरह से, हर बच्चों का जो स्तर रहता है वो अलग अलग रहता है, सीखने का स्तर हर बच्चों का अलग रहता है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट में सीखता है। तो कोई बच्चे को खेल खेल में सिखाना पड़ता है, किसी बच्चे को पिक्चर बनाकर सिखाना पड़ता है और कोई बच्चे को ऐसे ही पढ़ाएंगे तो सीख जाता है। हर एक बच्चों के अलग अलग स्तर होने की वजह से हम अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाने लगे। ऑनलाइन होने की वजह से थोड़े बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम आया, बाकी यह प्रशिक्षण बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा। और इस प्रशिक्षण के द्वारा मैं चाहूँगी एनसीईआरटी से कि ऐसा प्रशिक्षण हमेशा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होता तो और भी अच्छा रहता।